हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। गुजरात बोर्ड क्लास 9 के वीडियो लेक्चर सीरीज में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंडिया जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी 1, चैप्टर नंबर 13 है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इंडिया एक यूनिक पोजीशन होल्ड करता है थ्रू आउट द वर्ल्ड। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। इंडिया इज़ वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। एंड कल्चर, इंडिया का कल्चर वन ऑफ द ओल्डेस्ट कल्चर है वर्ल्ड में। जैसा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम लोग जानते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन आज से करीब 3500 ईयर्स अर्लियर थे। सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है वर्ल्ड में इंडिया, बिकॉज इंडिया का जो वोटिंग पॉपुलेशन है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। जो अल्टीट्यूड हैं, कोऑर्डिनेटिक अल्टीट्यूड ऑफ आवर कल्चर, ये किसी भी रिलीजन, रेस या पीपल को डिस्कार्ड नहीं करता है। यानी हमारे यहाँ का जो कल्चरल सिस्टम है, हम किसी भी रिलीजन के, किसी भी रेस के, किसी भी ह्यूमन को हम लोग जो है अपमान नहीं करते हैं, हम सबका वेलकम करते हैं। और इंडिया ने हमेशा से वेलकम किया है, ऐसा हमारा कल्चर रहा है, ठीक है। और हम सिर्फ और सिर्फ वेलकम ही नहीं करते, पूरे दिल से वेलकम करते हैं। ड्यू टू दिस कल्चरल हैबिट, ड्यू टू कल्चरल इन्फ्लुएंस, हमारे यहाँ ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग आए और आकर के यहाँ पे सेटल हुए, यहीं पे लोग बस गए, रह गए, ठीक है ना। इंडिया की प्रॉस्पेरिटी की वजह से ही बहुत सारे लोग इंडिया को इन्वेड भी किए और यहाँ पर आकर के रूलर बन गए, लाइक तुर्क, पर्शियन, मुगल्स। किसी भी रिलीजन, किसी भी पीपल या किसी भी रेस की तरफ हमारा जो है इम्पार्शियलिटी नहीं होती है, पार्शियलिटी नहीं रखते हैं, ठीक है, इंडिया नहीं रखता है। दैट्स वाई इंडिया एक जो है, इंडिया बिकम अ कल्चरल कन्फ्लुएंस, यानी कि वेरियस कल्चर का जो है यहाँ पे मिक्सिंग हुआ ड्यू टू आवर वेलकमिंग नेचर, वेलकमिंग कल्चर, ओके। इंडिया को ऐसा नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम को भी फेस करना पड़ा, वेरियस मैन इंड्यूस्ड कैलामिटीज़, डिजास्टर एंड नेचुरल डिजास्टर फेस किया इंडिया। बट इन ऑल कंडीशन इंडिया कंटिन्यूसली प्रोग्रेस करता रहा। जो इंडिया का ज्योग्राफिकल कंडीशन है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया इंडियन कल्चर के डेवलपमेंट और प्रोग्रेस में, ओके। तो ये हमारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था इंडिया का। इस चैप्टर में जैसा कि नेम से ही पता चलता है कि हमें मेनली जो है लोकेशन और साइज और एरिया के बारे में पढ़ना है इंडिया का। देखिए, इंडिया का जो लोकेशन है वो कम्प्लीटली इंडिया लोकेटेड है नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर क्या होता है, अर्थ को हम लोग जानते हैं, ये जो अर्थ है इसे टू मेजर जो लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन कट करती है, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन कट करता है वह है इक्वेटर, 0 डिग्री लैटिट्यूड, जो अर्थ को टू इक्वल पार्ट, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में, EH जो है NH नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और SH साउदर्न हेमिस्फीयर है, डिवाइड करता है। एंड सिमिलरली 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जिसको कि प्राइम मेरिडियन टाइम और ग्रीनविच लाइन भी कहा जाता है, यह भी अर्थ को जो है वर्टिकली टू पार्ट में, टू हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है, EH ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड WH मीन्स वेस्टर्न हेमिस्फीयर। सो अगर हम लोग इंडिया के लोकेशन की बात करें तो इंडिया इज कम्प्लीटली लोकेटेड इन ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ओके। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, इट एक्सटेंड अप टू साउदर्न पार्ट ऑफ एशियन, ठीक है। सेंट्रली जो है साउथ एशिया में लोकेटेड है यह। इंडिया का जो एक्सटेंशन है, मेन लैंड एक्सटेंशन, वह कितना है? अगर हम लैटिट्यूडिनल एक्सटेंशन की बात करें तो इंडिया का लैटिट्यूडिनल एक्सटेंशन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड है। यानी कि ये जो इस फिगर में हम देखेंगे, इस फिगर में अगर हम लोग देखें तो ये टोटल इंडिया का मैप है, और इंडिया का जो सबसे सदर्न मोस्ट पार्ट है वह 8 डिग्री 4 मिनट लैटिट्यूड है एंड नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड है, ओके। सिमिलरली इंडिया का लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंशन भी है,
यानी बिटवीन विच टू लॉन्गिट्यूड इंडिया इज सिचुएटेड। सो इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है 68 degrees 7 minutes ईस्ट टू 97 degrees 25 minutes ईस्ट। इट मीन्स कि इंडिया का जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वह 68 degrees 7 minutes वेस्ट ईस्ट लैटिट्यूड पे है, एंड जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वह है 97 degrees 25 minutes ईस्ट। अब यहाँ पे एक चीज़ होता है कि हमने नॉर्थ नॉर्थ और ईस्ट ईस्ट, जबकि ये तो इंडिया के वेस्ट में है 68 degrees 7 minutes जो लॉन्गिट्यूड है, एंड 8 degrees 4 minutes इंडिया के साउथ में है, तो हमने नॉर्थ ही लगाया। बिकॉज दिस रिफरेंसेज आर टेकन फ्रॉम 0 degree लैटिट्यूड एंड 0 degree लॉन्गिट्यूड। इंडिया कम्प्लीटली सिचुएटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, सो 0 degree से नॉर्थ में जितने भी लैटिट्यूड होते हैं उनको नॉर्थ जो है नॉर्थ लैटिट्यूड लिखा जाता है, और इंडिया 0 degree जो इक्वेटर है उसके नॉर्थ में है, दैट्स वे हमने यहाँ पे नॉर्थ 8 degree 4 minutes नॉर्थ एंड 37 degree 6 minutes नॉर्थ लिखा है। उसी तरह से इंडिया कम्प्लीटली ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है, अर्थात ग्रीनविच लाइन प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में है, तो प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में जितने भी लॉन्गिट्यूड हैं उनको ईस्ट लिखा जाता है, दैट्स वाई जो है हमने 68 degree 7 minutes ईस्ट एंड 97 degree 25 minutes ईस्ट लॉन्गिट्यूड लिखा गया है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को करीब इक्वल टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को नियर अबाउट टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 degree नॉर्थ लैटिट्यूड है, या इसको 23.5 degree नॉर्थ लैटिट्यूड और 23 degree 30 minutes नॉर्थ लैटिट्यूड भी लिखा जाता है, और यह इंडिया के नियर अबाउट मिडल में है, इंडिया को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के कितने स्टेट से होकर के पास करता है, टोटल 8 states से होकर पास करता है, कौन कौन है वो स्टेट, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस स्टेट से पास करता है, तो अगर वेस्ट टू ईस्ट हम लोग देखें तो गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड वेस्ट बंगाल त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये 8 states से, टोटल 8 states से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया का पास होता है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का साउदर्न पार्ट है वह पेनिनसुलर इंडिया कहलाता है, साउथ इंडिया कहलाता है, ठीक है, ट्रेंगुलर शेप का है जो कि पेनिनसुलर इंडिया कहलाता है, और लॉन्गिट्यूडिनल एंड लैटिट्यूडिनल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया नियर अबाउट 30 degree है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल एंड लैटिट्यूडिनल एक्सटेंशन कितना है, ऑलमोस्ट 30 degree। वाई ऑलमोस्ट 30 degree इसको लिखते हैं, देखो एक्सटेंड तो कितना 8 degree 4 minutes टू 37 degree नॉर्थ 37 degree 6 minutes नॉर्थ, अगर हम 37 degree 6 minutes में 8 degree 4 minutes को सब्सट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, माइनस करते हैं, तो हमें 29.29 degree समथिंग मिनट एक्सटेंशन मिलेगा, टोटल एक्सटेंशन इतनी, यानी 29.29 degree समथिंग मिनट लैटिट्यूड जो है इंडिया को क्रॉस कर रहे हैं। ओके, सो इसको फॉर द कन्वीनियंस हम 30 degree मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि 30 degree जो है लैटिट्यूडिनल एक्सटेंशन है टोटल इंडिया का। सिमिलरली अगर हम लोग लॉन्गिट्यूड की बात करें, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंशन, तो 97 degree 25 minutes माइनस 68 degree 7 minutes हम लोग रिड्यूस करेंगे तो यह भी करीब करीब 30 degree समथिंग मिनट आता है, जिसको कि फॉर द कन्वीनियंस हम लोग 30 degree मान लेते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे कहा गया कि इंडिया का जो लैटिट्यूडिनल और लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंशन है नियर अबाउट 30 degree है। अब आते हैं हम लोग, अगर हम लोग साइज की बात करें इंडिया के, ठीक है ना, तो इंडिया का जो लेंथ है एंड विड्थ है, नॉर्थ टू साउथ लेंथ यानी कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो लेंथ है वह है 3214 किलोमीटर, एंड वेस्ट टू ईस्ट यानी गुजरात से लेकर के आपको अरुणाचल प्रदेश तक जो लेंथ है यानी इंडिया का विड्थ 2933 किलोमीटर है। ओके, द लेंथ बिटवीन गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश, जो इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है, ठीक है, स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम ऑफ इंडिया
यह 82.5 डिग्री ईस्ट है। यही से पूरे इंडिया का टाइम डिसाइड किया जाता है, जिस तरह से पूरे वर्ल्ड का टाइम डिसाइड किया जाता है ग्रीनविच लाइन से, इसी तरह इंडिया का टाइम लाइन 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड से किया जाता है। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ है कि जो अरुणाचल प्रदेश से आसाम तक के बीच का जो टाइम डिफरेंस होता है वह नियर अबाउट 2 आवर का टाइम डिफरेंस होता है। किस तरह से 2 आवर का टाइम डिफरेंस होता है, ठीक है, देर इज अ डिफरेंस ऑफ 2 आवर इन द लोकल टाइम बिटवीन 2 एक्सट्रीम प्लेसेज स्टार्टिंग फ्रॉम गुजरात इन द वेस्ट टू अप टू अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट। अगर गुजरात का जो वेस्टर्न पॉइंट है अर्थात 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड के बीच का जो टाइम डिफरेंस है वह 2 आवर का होता है। ये 2 आवर का डिफरेंस क्यों होता है, देखो जैसा कि हम लोग जानते हैं अर्थ पे जो लॉन्गिट्यूड है, अर्थ इन फ्रंट ऑफ सन, जो अर्थ रोटेट करते रहता है, रोटेशन होता है अर्थ का, तो उसमें अर्थ के वन लॉन्गिट्यूड से सेकेंड लॉन्गिट्यूड तक जाने के लिए 4 मिनट का टाइम लगता है, ठीक है। यानी सन है और अर्थ जो है सन के सामने रिवॉल्व कर रही है और स्पिन भी करती है, तो 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड से 2 डिग्री लॉन्गिट्यूड जाने में अर्थ को 4 मिनट का टाइम लगता है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है नियर अबाउट 111 किलोमीटर होता है। अब इंडिया का एक्सटेंशन कितना है, 30 डिग्री, हमने देखा ना कि इंडिया का लॉन्गिट्यूडिनल एंड लैटिट्यूडिनल एक्सटेंशन ऑलमोस्ट 30 डिग्री है। सो 1 से 2 डिग्री जाने में यानी 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करने में 4 मिनट का टाइम लगता है। सो टोटल 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, कितना टाइम लगेगा, 30 डिग्री इंटू 4 मिनट 120 मिनट इज इक्वल टू 2 आवर। ओके, सो टाइम लैग बिटवीन गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश 2 आवर, इट मीन्स व्हेन इट सन राइजेज इन अरुणाचल प्रदेश इट इज स्टिल नाइट इन गुजरात। पर अगर अरुणाचल प्रदेश में सनराइज पहले हो जाता है, ठीक है ना, जैसे अगर हम लोग लोकल टाइम को कंसिडर करते तो अगर गुजरात में सनराइज 6 AM पे हो रहा है तो अरुणाचल प्रदेश में 4 AM पे ही हो जाता, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया का टाइम स्टैंडर्ड मेरिडियन 82.5 डिग्री से डिसाइड कहता है। सो अगर गुजरात में सनराइज 6 AM पे हो रहा है तो उस समय अरुणाचल प्रदेश में भी 6 AM ही होगा, लेकिन वहाँ पे क्या होगा, सनराइज गुजरात से पहले ही हो गया होगा, ठीक है ना, लेकिन टाइम वॉच कितना टाइम शो करेगा, वॉच जो है टाइम 6 AM ही शो करेगा, बट अरुणाचल प्रदेश में 2 आवर अर्लियर सनराइज हो चुका होता है, ठीक है। जो टोटल एरिया है इंडिया का वह कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये जो है टोटल इंडिया का एरिया है, ओके, इसको जो है 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर भी लिख सकते हो। जो इंडिया का 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया है यह वर्ल्ड के ज्योग्राफिकल लैंड का, जो वर्ल्ड का टोटल एरिया है लैंड एरिया, उसका 2.4% है। एंड इंडिया इज 7th largest country इन द वर्ल्ड, ओके, एंड देर आर 6 कंट्री दैट आर ग्रेटर देन इंडिया इन एरिया इन साइज, रसिया, कैनेडा, USA, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, ओके। सो इंडिया का जो लैंड एरिया है वो कहाँ पे है, साउथ एशिया में है, ठीक है ना, ये चारों तरफ से है। इंडिया का जो स्ट्रेटजिक लोकेशन है, इंडिया का जो लोकेशन है वेरी स्ट्रेटजिकली है, बिकॉज इंडिया इज इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ओके, ओशियन हैव कंट्रीब्यूटेड इमेंजली इन डेवलपिंग म्यूचुअल रिलेशन इन एंशियंट टाइम, जो एंशियंट टाइम से ही इंडिया का जो रिलेशन है, क्योंकि ओशियन इसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करी। इंडिया हैड डेवलप्ड ट्रेड रिलेशन, इंडिया ने अपने जो बिजनेस रिलेशन है वो वेरियस कंट्री के साथ
थ्रू दिस कोस्टल लेंथ एस्टेब्लिश किया है, जैसे वेस्टर्न कोस्ट है सो ईस्ट अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया इन सब कंट्री के साथ। इंडिया जो है कल्चरल रिलेशन भी डेवलप किया। कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है, ठीक है, इन द इंडियन ओशियन विच हैज़ लॉन्ग कोस्टल लेंथ एज इंडिया। इंडियन ओशियन में इंडिया जो है सबसे ज़्यादा कोस्टल लेंथ वाला कंट्री है, लार्जेस्ट कोस्टल लेंथ इंडिया का करीब 7,516.6 किलोमीटर इंडिया का कोस्टल लेंथ है, जो इतना ह्यूज लेंथ है कि इंडिया को इनॉर्मस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है अपने इस लोकेशन को फॉर द ट्रेड, फॉर द ओशियन ट्रेड, सी रूट्स एस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है। सो ड्यू टू दिस ऑल काइंड ऑफ फैसिलिटी अवेलेबल, इंडियाज लोकेशन इज स्ट्रेटजिक लोकेशन ऑन द ओशियन एंड नेम्ड इंडियन ओशियन। जो कोस्टल लेंथ है इंडिया का 7,516 पॉइंट है, ये सभी बुक में नहीं दिया है बट आपको मैं बता दे रहा हूँ। और इंडिया का जो बाउंड्री लेंथ है वह 15,200 लेंथ है, यानी किस जिसके साथ इंडिया का जो है शेयर कर, जिसके मतलब इंडिया का जो लेंथ है बाउंड्री का लेंथ, ठीक है ना। और गुजरात सबसे ज़्यादा कोस्टल लेंथ वाला कंट्री है, ठीक है। और इंडिया सबसे ज़्यादा लैंड बाउंड्री अपना शेयर करता है बांग्लादेश के साथ, ओके। विथ द ओपनिंग ऑफ स्वेज कनाल, जब स्वेज कनाल की ओपनिंग की गई, और स्वेज कनाल कैसे है, कहाँ से, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, स्वेज कनाल के बारे में। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। ये जो एरिया है यहाँ से रेड कलर का जा रहा है, यहाँ पे इजिप्ट है, इजिप्ट के पास स्वेज कनाल आपको दिख रहा है। ये जो स्वेज कनाल है ये 1869 में ओपन किया गया था, कंस्ट्रक्शन किया गया मिस्र को बिफरकेट करके, और तब से उसके बाद जो है इंडिया और यूरोप के बीच का जो डिस्टेंस है करीब करीब 7,000 किलोमीटर रिड्यूस हो गया। और जो स्वेज कनाल है वो आपको रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ये था स्ट्रेटजिक लोकेशन इंडिया का। इसमें हम लोग जो है इंडिया के साइज, लोकेशन साइज और एरिया के बारे में पढ़ा, इंडिया किस तरह से जो है कल्चरल कन्फ्लुएंस बना इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट जो हम लोग का पॉइंट होगा वो होगा नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया एंड फिर जियोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग उसे जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय।